चीन की राजधानी बीजिंग में भारी बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगातार जारी बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। बारिश के कारण चीन की राजधानी बीजिंग में सड़कों पर पानी का ऐसा सैलाब आया कि राहत बचाव कार्य के लिए सड़कों पर नाव उतारनी पड़ी। नेपाल की शेर बहादुर देवबा सरकार ने पड़ोसी देश भारत को लेकर अपने नागरिकों को कड़ी हिदायत दी है। देवबा सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी विरोध प्रदर्शन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी हुई या भारत के सम्मान के खिलाफ नारेबाजी हुई या किसी का भी पुतला जलाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं और अस्पतालों के गहन चिकित्सा कक्षों में लगभग सभी बिस्तर भर चुके हैं। राज्य के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। कैलिफोर्निया में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रामक रूप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा विवाद के बीच भारत की चिंता एक और राज्य को लेकर बढ़ गई है। अपनी विस्तारवादी नीति के तहत चीन अब श्रीलंका में भी तेजी से पैर पसार रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने तमिलनाडु तट में बामुश्किल 50 किलोमीटर दूर टापू पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। भारत ने इस परियोजना को लेकर विरोध भी किया है। निपाह वायरस से प्रभावित केरल में केंद्र सरकार की टीम ने 12 वर्षीय बच्चे के परिवार से रविवार को मुलाकात की, जिसकी निपाह वायरस संक्रमण की वजह से मौत हो गई थी। केंद्रीय टीम ने प्रभावित इलाके में रामबुटान फल के सैंपल भी लिए। सैंपल के जरिए निपाह वायरस संक्रमण फैलने के स्रोत का पता लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही इस बात की भी पुष्टि हो सकेगी कि क्या चमगादड़ से संक्रमण फैला है। टोल टैक्स की मामूली रकम को बचाने के लिए कार चालक लुटेरों का शिकार बन रहे हैं। नकदी मोबाइल गंवाने के साथ ही कार से भी हाथ धोना पड़ रहा है। लुटेरे मारपीट करते हैं सो अलग। एक बार फिर इसी तरह की वारदात बदायूं के एक कार चालक के साथ हुई। कार चालक दिल्ली से लौटते वक्त दादरी बुलंदशहर स्थित लुहारली टोल से होते हुए बदायूं जा रहा था, तभी उसके साथ यह वारदात हुई। बदमाश कार ड्राइवर संग लूटपाट कर उसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में छोड़कर फरार हो गए। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ मुजफ्फरनगर में किसानों ने महापंचायत की। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार के तीनों कानूनों के खिलाफ आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 7 सितंबर को करनाल में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुजफ्फरनगर की तरह ही पूरे देश से किसान हिस्सा लेने के लिए जुटेंगे। 24 अगस्त से शुरू हुए टोक्यो पैरालंपिक का कल यानी 5 सितंबर को समापन हुआ। पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारतीय खेलों के इतिहास में टोक्यो पैरालंपिक का हमेशा विशेष स्थान रहेगा। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर टोक्यो के लोगों की और वहां की सरकार की भी सराहना की। देश के कई हिस्सों में मॉनसून के कारण रविवार को बारिश हुई। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा कहा गया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून में फिर से सक्रिय होने के साथ ही अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। IMD के अनुसार अगले 3 दिनों में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इनकम टैक्स रिटर्न में 75 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से छूट देते हुए डिक्लेरेशन फॉर्म नोटिफाइड कर दिया गया है। यह फॉर्म वरिष्ठ नागरिकों को बैंकों में जमा कराना होगा। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में पेंशन इनकम और उसी बैंक में FD पर ब्याज पाने वाले 75 साल और अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स रिटर्न दाखिल करने से छूट का प्रावधान पेश किया गया है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।